Hello friends, how are you? Hope you all are well. In previous session, we learned about the some basic things about perimeter, area, square, rectangle, and triangles. Now let's start the chapter third. How many squares? Dear students, here you have to give the some dots. Okay? इसका आपको किस तरह से यूज़ करना है वो यहाँ पे बताया. मेज़र द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट. ओके, ये इसका आप मेज़र करना है, इसका साइड. ये स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है. ओके चलो, तो इसको हम मेज़र करते हैं. ये कितना है? ये एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर का है. ओके इसकी एक साइड है वो 1 सेंटीमीटर की है. ओके तो अगर ये स्क्वायर का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? चारों साइड का सम. एक साइड 1 है तो चारों साइड कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर की. ये 1, ये 1, ये 1 एंड ये 1, चारों का टोटल 1 + 1 + 1 + 1, तो 4 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया? पेरीमीटर हो गया. एरिया के लिए हम क्या करेंगे? क्या करते थे एरिया का फॉर्मूला? साइड मल्टीप्लाई साइड. तो ये कोई भी दो साइड, यहाँ पे भी 1 है, चारों साइड 1, तो 1 × 1, तो इसका एरिया हो जाएगा 1 सेंटीमीटर. ओके ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज के लिए इसका हमने एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड कर लिया. ड्रॉ हियर एज मैनी रेक्टेंगल एज पॉसिबल यूजिंग 12 such squares. ओके यहाँ पे ये एक स्क्वेयर हुआ. आपको ऐसे रेक्टेंगल बनाने बहुत जितने पॉसिबल है, लेकिन कंडीशन क्या है उसमें 12 स्क्वेयर होने चाहिए. ये एक स्क्वेयर हुआ, यहाँ पे मैं लाइन बनाऊंगा तो दूसरा स्क्वेयर, यहाँ पे लाइन बनाऊंगा तो तीसरा, यहाँ पे करूंगा तो फोर्थ. इस तरह से 12 स्क्वेयर ही होने चाहिए एक रेक्टेंगल में. ऐसे जितने पॉसिबल है इतने रेक्टेंगल बनाने. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इतने रेक्टेंगल पॉसिबल है. आप देख लो, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए, ये R1, R2 मैंने उसको नेम दिए है, R1, R2, R3, R4, 5, 6 एंड 7. अब आप इन सब में काउंट करोगे ना तो 12 स्क्वायर ही है. ओके यहाँ पे ये 1 स्क्वायर, यहाँ पे करोगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. यहाँ पे भी देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. यहाँ पे भी उसी तरह कंडीशन ये है कि एक स्क्वायर के अंदर आपके 12 स्क्वायर होने चाहिए, तो ये फुलफिल हो रही है. तो यहाँ पे इतने ऐसे रेक्टेंगल बन रहे हैं, 7. ओके हाउ मैनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक? तो हम क्या लिखेंगे, कितने बनाए हमने? 7. ओके हियर साउट, यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया, इच रेक्टेंगल इज मेड आउट ऑफ 12 equal squares. एवरी जो ये रेक्टेंगल है वो 12 स्क्वायर से बने हैं. सो ऑल हैव द सेम एरिया बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट. एक स्क्वेयर का एरिया सेम है तो बाकी के स्क्वेयर के एरिया भी कैसे होंगे? सेम ही, क्योंकि सब है वो रेक्टेंगल है. अरे सॉरी, स्क्वेयर एंड सब स्क्वेयर का मेजरमेंट भी क्या है? सेम है, लेकिन यहाँ पे लेंथ, ओके इसकी लेंथ डिफरेंट है, R5 की, R1 की डिफरेंट है, R7 की डिफरेंट है. ओके तो क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द रेक्टेंगल हैज द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर? किसका पेरीमीटर सबसे ज्यादा होगा? पेरीमीटर यानी उसकी बाउंड्री का सम. ओके तो यहाँ पे आप हमें सब रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर हम फाइंड करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि किसका पेरीमीटर सबसे ज्यादा है. चलो तो R1 का सबसे पहले हम फाइंड करते हैं. जितना R1 का होगा उतना भी इतना ही R2, R3 एंड R4 का होगा, क्योंकि वो सेम ही है. तो आप दो मेथड है, चाहो तो चारों साइड का सम कर सकते हो, अदरवाइज मैंने बोला था उसका फॉर्मूला क्या था, L ब्रैकेट में L प्लस B. L यानी लेंथ एंड B यानी ब्रेथ. तो चलो उस तरह से हम फाइंड करते हैं, 2 ब्रैकेट में L प्लस B यानी लेंथ प्लस ब्रेथ. तो यहाँ पे कितना है, ये इसका डिस्टेंस, सॉरी मेजरमेंट 1
टू थ्री, यानी इसकी ब्रेथ हो गई थ्री, लेंथ कितनी हो रही है वन टू थ्री फोर, इन दोनों का प्लस करने का बोला, थ्री प्लस फोर सेवन, सेवन को ब्रैकेट के बाहर टू था तो सेवन टू जा फोर्टीन, तो इसका हमें पेरीमीटर मिल रहा है 14 सेंटीमीटर। अब इसका 14 है तो बाकी थ्री का भी क्या है, इसका भी 14 होगा क्योंकि ये सेम ही है। इसका कितना होगा आर फाइव का, ओके तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, इसके लेंथ और ये 12, ब्रेथ में तो सिर्फ वन है, 12 प्लस वन करेंगे तो 13, ओके 13 मल्टीप्लाई टू कर दो तो हो जाएगा सॉरी 14 13 मल्टीप्लाई टू 26, तो इसका पेरीमीटर हो गया 26 सेंटीमीटर। इसका आर फाइव एंड आर सिक्स सेम है तो इसका भी 26 सेंटीमीटर। इसका लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, अरे सॉरी लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय टू, तो ब्रेथ हो जाएगी वन एंड टू, लेंथ देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स प्लस टू एट, एट टू जा 16, तो इसका हमें पेरीमीटर मिला 16 सेंटीमीटर। तो सबसे ज़्यादा इसमें किसका है, यह हमें मिल रहा है आर फाइव एंड आर सिक्स, उसका पेरीमीटर है वो सबसे लॉन्गेस्ट है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, सबसे छोटा किसका है, तब देख सकते हो ये आर वन टू थ्री एंड फोर का, तो इसका पेरीमीटर है सबसे छोटा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इस तरह से आर वन आर टू आर थ्री एंड आर फोर का छोटा है एंड सबसे लॉन्गेस्ट था आर फाइव एंड आर सिक्स का। थैंक यू।